प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम निबंध गणतंत्र दिवस पर निबंध किस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। आप जानते हैं गणतंत्र दिवस बहुत ही निकट आ रहा है, तो गणतंत्र दिवस पर निबंध समझते हैं कैसे लिखेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं हमारे भारत का जो गणतंत्र दिवस होता है वो 26 जनवरी को होता है। अब देखिए इसमें भारत की ताकत को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। देखिए प्रस्तावना, सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावना यानी कोई भी निबंध लिखने के लिए हम प्रस्तावना सबसे पहले लिखते हैं। मानव जीवन में त्योहारों का विशेष महत्व है। जैसे हमारे इस भारत में त्यौहार दीपावली, ठीक है, होली, रक्षाबंधन, इस तरीके से कई त्यौहार होते हैं, ऐसे ही गणतंत्र दिवस ही भी हमारे लिए एक त्यौहार है। तो ये पर्व और त्यौहार हमारे जीवन में नई स्फूर्ति और चेतना उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी सभी त्यौहार हमारे जीवन में एक नई चेतना उत्पन्न करेंगे। होली, दीपावली, विजयदशमी, देख रहे हैं ना, अभी जो मैंने बताया वो सिर्फ सारी चीज़ें आ रही हैं। ईद, बड़ा दिन आदि भारत के प्रमुख त्यौहार हैं। ऐसे खिचड़ी भी है, ठीक है। तो हमारे भारत में ऐसे कई त्यौहार हैं जो कि मनाए जाते हैं हर्षोल्लास के साथ। इन पर्वों को सारे राष्ट्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस तरीके से हम गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। अब आगे कुछ विशेष बातें हम बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होंगी, और अभी तक कुछ चीज़ें इसमें से आपको मालूम होंगी और बहुत कुछ इसमें से आपको मालूम नहीं होंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए अब हम गणतंत्र दिवस का इतिहास जरा समझते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है इसका पूरा इतिहास समझ लियो। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा स्वतंत्र हुआ, यानी हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ। हमारे देश में यह निश्चय क्रिया की देश में है, प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाए जाएं, अतः जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, अब देखते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान का निर्माण किया गया। यानी जो संविधान बना था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, फिर देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को विद्या परिषद की स्वीकृति से या विधान परिषद की स्वीकृति से इसे लागू कर दिया गया। यानी जो संविधान है जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने दिया उसे लागू कर दिया गया। आगे देखिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो यहाँ पर उसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। तो उसी दिन मेरे प्यारे बच्चों भारत का गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। फिर समझिए, याद रखिएगा, जो हमारे भारत का संविधान है वो किस सन में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए यह पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देखिए समारोह में क्या जानेंगे। गणतंत्र दिवस का आयोजन हर वर्ष 26 जनवरी को दिल्ली में होता है। इसके अलावा यह त्यौहार राजधानी राज्य के
प्रत्येक शहर व गांव में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, इस दिन विद्यालयों में विविध प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं तथा बच्चों को मिठाइयाँ वितरित की जाती है। जल थल और वायु सेनाओं की टुकड़ियों का राष्ट्रपति निरीक्षण करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पर्व का महत्व। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। हमें उन असंख्य बलिदानों का स्मरण कराता है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है। लंबे संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, अतः यह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है ना। यानी यह पर्व मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, गणतंत्र दिवस याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो इसी दिन 26 फरवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब इसका हम लोग जानेंगे उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? तो उपसंहार में यह जानेंगे, यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि भाषा धर्म रंग जाति वर्ण के अनेक भेदभाव हमारे देश में भले ही मौजूद हों, फिर भी हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सभी हैं भाई भाई। ये विभिन्न वो हमारी महानता उदारता एकता और गौरव का सौंदर्य बढ़ाती है। यदि हम इन विविधताओं को समझने लगें, उससे आनंद प्राप्त करने लगें, तो हमारे देश में सारी लड़ाई झगड़े मतभेद और विरोध समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये निबंध आपको याद रखने हैं, इसकी मूल जानकारी आपको याद रखेंगे। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें।